आज आप लोग को एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं, उसका नाम है कोरल लीफ। कोरल लीफ को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रवाल भित्ति। कोरल लीफ जो है ये जूलॉजी का टॉपिक है, लेकिन ये देखा गया है नीट में, टीजीटी पीजीटी में, जितने सिविल के एग्जाम में, ठीक है, एसएससी, बैंकिंग, कई एग्जाम में, जीएस में भी ये पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति। देखिए कोरल रीफ क्या है। कोरल रीफ जो या प्रवाल भित्ति जो होती है या कोरल रीफ, इसको दो भागों में बांट सकते हैं, दो सेंटेंस का बना हुआ है। एक है कोरल और दूसरा पार्ट इसका क्या है, रीफ। कोरल क्या है? कोरल जो होता है ये पॉलिफ फॉर्म होते हैं सीलेंट्रेट्स के। क्या होते हैं? पॉलिफ फॉर्म्स होते हैं किसके? सीलेंट्रेट्स के। कोरल रीफ दो सेंटेंस से बना हुआ, कोरल और रीफ। कोरल क्या होता है? कोरल जो होता है वो पॉलिफ फॉर्म्स होता है किसका? सीलेंट्रेट्स का। पॉलिफ फॉर्म क्या मतलब? पॉलिफ फॉर्म मतलब सिलेंड्रिकल फॉर्म, ठीक है, न्यूट्रिटिव फॉर्म, सिलेंड्रिकल फॉर्म। देखिए यही है पॉलिफ फॉर्म इसका, ठीक है, ये सिलेंड्रेट्स में जो पॉलिफ फॉर्म होता है वही है सिलेंड्रिकल फॉर्म, ठीक है। रीफ क्या होता है? रीफ मतलब होता है वाल। रीफ मतलब क्या हुआ? वाल। और वाल किसकी बनी होती है? ये कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है। अब देखिए कोरल रीफ, कोरल जो होता है वो पॉलिफ फॉर्म होता है, किससे बिलोंग करता है? सीलेंट्रेट से। और रीफ मतलब क्या होता है? वाल, जो किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की। और इसका सिक्रीशन कौन करता है? इसका सिक्रीशन होता है किसके द्वारा? सीलेंट्रेट्स के द्वारा ही इसका सिक्रीशन होता है, ठीक है ना। इस प्रकार हम देखते हैं कि कोरल रीफ का निर्माण कोरल नामक एनिमल के द्वारा होता है। कोरल रीफ का निर्माण किसके द्वारा हो रहा है? कोरल नामक एनिमल के द्वारा हो रहा है, ठीक है। कोरल रीफ का निर्माण जो होता है वो सी वाटर में होता है। कैसे सी वाटर में होता है? ऐसे सी वाटर में जो वार्म सी वाटर हो, ठीक है, नॉन पोल्यूटेड हो, क्लियर हो, ऐसे सी वाटर में कोरल रीफ पाए जाते हैं, ठीक है। कोरल रीफ ये देखा गया है कि ये सैलो वाटर में पाए जाते हैं, बहुत डीपर रीजन सी के बहुत डीपर रीजन में नहीं पाएंगे, सैलो वाटर में पाएंगे। और कोरल रीफ्स जो देखा जाता है, अगर इसको क्या कहते हैं, विश्व के मानचित्र देखें तो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाएंगे। कहाँ पे? ट्रॉपिकल रीजन में 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ? अगर ये ग्लोब है पूरा विश्व मान ले और ये इक्वेटर है 0 डिग्री, तो ये हुआ 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ। इनका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे विश्व में फैला रहता है। देखा ये गया है 90% सिलेंट्रेट्स जो होते हैं, या 90% कोरल सिलेंट्रेट्स ना कहकर कोरल लीफ हैं, 90% कोरल लीफ जो होते हैं ये जनरली पाए जाते हैं इंडो पैसिफिक सी में। कहां पाए जाएंगे ये? इंडो पैसिफिक सी में। ये देखा गया है कि ये कोरल रीफ कहां पाए जाते हैं? इंडो पैसिफिक सी में। इसको इस तरह से समझ सकते हैं, देखिए वर्ल्ड का मैप अगर हम देखते हैं, ज्यादा अच्छा तो नहीं बना पाते लेकिन हाँ प्रयास है। ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये इंडिया, श्रीलंका, ये यूरोप, चाइना, एशिया, जापान और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो हम ये देखते हैं ये
जो ओरल लीफ्स होते हैं 90% कहाँ पाया जाए, इंडो पैसिफिक सी। तो इंडो पैसिफिक सी वाला जो एरिया होता है वो ये एरिया, ये एरिया कौन सा कहलाएगा, इंडो पैसिफिक सी। ये एरिया कहलाएगा इंडो पैसिफिक सी। 90% कोरल लीफ्स इन एरिया में पाए जाते हैं। कोरल लीफ्स जहां पाए जाते हैं वो इंडिकेट करते हैं पेट्रोलियम सोर्स को, ठीक है। इंडिकेटर किसके होते हैं, पेट्रोलियम सोर्स को। इस एरिया में फिश कैचिंग भी होती है, ठीक है। अगला चीज देखिए इसके कोरल लीफ के बारे में, अगर इंडिया के बारे में देखा जाए तो इंडिया में अगर हम देखें तो चार जगह इंडिया में भी कोरल लीफ्स ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अगर इंडिया में देखा जाए तो यहां पे अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, यहां पे लक्षद्वीप, यहां पे बे ऑफ कच्छ और यहां पे बे ऑफ मन्नार। तो अगर इंडिया में इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं अंडमान निकोबार एरिया में, उसके बाद पाए जाएंगे लक्षद्वीप, उसके बाद पाए जाएंगे बे ऑफ मन्नार और बे ऑफ कच्छ में। ये इंडिया में इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ठीक है। जनरली ये कहां पाए जाएंगे, वार्म वाटर में, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा वार्म वाटर हो गया तो ये क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, या वाटर पोल्यूटेड है तो भी ये क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे। सी वाटर अगर बहुत ज्यादा हॉट हो गया या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, ज्यादा कोरल रीफ का आप एक्सट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तब पर भी क्या होगा, ये कोरल रीफ समाप्त हो जाते हैं। ज्यादा फिश कैचिंग होता है उसके कारण ये जल्दी ही समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। अगला चीज देखिए कोरल रीफ के बारे में, कोरल जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं। कोरल कैसे, कोरल लीफ कैसे है, कलर्ड है। क्यों कलर्ड है, कलर्ड होने का कारण ये है कि कोरल लीफ जो होते हैं, कोरल्स होते हैं, ये एक तरह का सिम्बियाटिक एसोसिएशन शो करते हैं। कोरल्स क्या शो करते हैं, सिम्बियाटिक एसोसिएशन। किसके साथ सिम्बियाटिक एसोसिएशन शो करते हैं, ये एक एल्गी के साथ शो करते हैं जिसका नाम है जूजेंथली। जूजेंथली क्या है, एक एल्गी, ठीक है ना। तो कोरल्स देखते हैं सिम्बियाटिक एसोसिएशन शो करते हैं, ठीक है। किससे सिम्बियाटिक एसोसिएशन शो करते हैं, जूजेंथली एल्गी के कारण, जिसके कारण ये कलर दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि जूजेंथली एल्गी ब्राउन कलर की होती है, ठीक है, और ब्राउन कलर, ग्रीन कलर, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स इस पे भी पाए जाते हैं, जिसके कोरल्स में भी पाए जाते हैं, जिसके कारण ये कलर दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज और आता है बहुत महत्वपूर्ण है, कोरल ब्लीचिंग कई कंपटीशन में पूछा जा चुका है। कोरल ब्लीचिंग, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग क्या होता है, जब कोरल से कलर पार्ट वो रिमूव हो जाए, ठीक है, या कह सकते हैं कोरल जो होती है, जो कलर्ड होती है वो कलरलेस हो जाए, तो इसी को क्या कहते हैं, कोरल ब्लीचिंग, ठीक है। या कह सकते हैं कोरल्स के ऊपर जो एल्गी पाई जा रही है, कोरल्स के ऊपर क्या पाई जा रही है आपकी, एल्गी पाई जा रही है, ठीक है, वो एल्गी सरफेस से रिमूव हो जाती है तो क्या होता है, कोरल ब्लीचिंग, ठीक है ना। अगला महत्वपूर्ण इसमें चीज है कि जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो रहा है कोरल्स और एल्गी के बीच में, एल्गी क्या करती है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बनाती है, इसे भोजन प्रदान करती है, और बदले में एल्गी को क्या मिल रहा है, इससे शेल्टर मिल रहा है, ठीक है। तो ये इसको क्या दे रहा है, फूड, और बदले में ये इसको क्या दे रहा है, शेल्टर, ठीक है। इस तरह दोनों क्या शो कर रहे हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है। कोरल लीफ को अगर हम देखते हैं तो कोरल लीफ मेनली थ्री टाइप्स होते हैं,
कोरल लीव्स कितने प्रकार के होते हैं? थ्री टाइप्स के। स्ट्रिंगिंग लीव, बैरियर लीव और तीसरा है एटॉल। कोरल रीफ तीन प्रकार के होते हैं, फ्रिंगिंग रीफ, बैरियर रीफ और एटॉल। फ्रिंगिंग रीफ क्या होते हैं? फ्रिंगिंग रीफ देख लीजिए, ये मान लीजिए सी है कोई, यदि सी शोर, ये सी के किनारे या सी शोर पे अगर कोरल्स पाए जाते हैं, सी शोर के पे कोरल अगर पाए जा रहे हैं तो इसे क्या कहते हैं? फ्रिंगिंग रीफ। बैरियर रीफ क्या होता है? यदि सी शोर से कुछ दूरी पे कोरल्स पाए जाते हैं, सी शोर से कुछ दूरी पे कोरल्स अगर पाए जा रहे हैं इसे क्या कहते हैं? बैरियर रीफ। अगर ये सी है ठीक है, इससे कुछ दूरी पाया जाएगा तो क्या होगा? बैरियर रीफ। अगला आता है एटॉल। एटॉल क्या होता है? एटॉल ये भी एक तरह के कोरल रीफ है, इसके द्वारा लैगून का निर्माण होता है। इसके द्वारा क्या होगा? लैगून का निर्माण होगा। ये लैगून का निर्माण करते हैं। लैगून क्या होता है? एटॉल जो होते हैं कोरल रीफ, ये ओपन सी में पाए जाते हैं, ओपन सी में ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और ये क्या करते हैं कि सी वाटर को चारों तरफ से घेर लेते हैं ठीक है, जिसके कारण किसका निर्माण होता है? लैगून्स का निर्माण होता है ठीक है। तो ये आज कंप्लीट हुआ आपका कोरल रीफ के बारे में, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और अगला नेक्स्ट टॉपिक अब अगले चैप्टर में, अगले वो पीरियड में शुरू करेंगे। थैंक यू।